हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप देख रहे हैं निगाह स्पेशल। पाकिस्तान में सियासत किस जानिब जा रही है, उसका इख्तिताम क्या होगा? शहबाज शरीफ बिलाखिर पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं और जो अचकन की बातें थी वो सच साबित हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में आगा जफर साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर तजियाकार हैं। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिजाज बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज शरीफ के हवाले से बातें की जा रही थी, कभी भी अचकन नहीं पहन पाएंगे, तो ताबीज हो गई सच्ची? जाहिर है वो तो होना ही था, एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत ये सब होना था। हमने पहले भी यहाँ स्टूडियोज में बैठकर कुछ बातें की थी, सब बातों को पीछे हटाकर आज वो मुल्क के वजीर आजम और उनके आते ही जो तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं वो बड़ी खुशाइन सी हैं। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स का एकदम बढ़ जाना, 2015 सौदे जो है वो तेजी का रुझान आ जाना, 800 रुपये डॉलर कम की उसमें, इसके अलावा भी उन्होंने जो ऐलान किए हैं वो सब एक खुशाइंद सी बात है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए कितने अच्छे साबित होंगे, क्योंकि इस मौसी सूरत हाल के दौरान क्या उनको चैलेंजेस नहीं होंगे? अगली जो बजट आ रही है जून में, बहुत बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हैं। सिर्फ बजट तो कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो देखा जाए तो बड़ा चैलेंज क्या, एक टास्क जो होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो ये होता है कि वो अपने आवाम की जो मफादात हैं, अपने मुल्क के मफादात, उनको इंटेक्ट रखने की कोशिश करें और कम से कम लोगों को आसानी से रोटी तो मुहैया हो। पिछली गवर्नमेंट बदकिस्मती से डिलीवर नहीं कर पाई और उनकी उसकी वजूहत बहुत सारी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, बल्कि 1 ही दिन हुआ है देखा जाए तो, कल हल्फ उठाया है और आज उन्होंने ऐलान किए हैं। आज यानी 2 ममालिक का दौरा उनका कुछ जुड़ा है जी, वो न सिर्फ उस पर काम हो रहा है और वो 2 ममालिक जो हैं वो एक सऊदी अरब है और दूसरा चाइना, और ये दोनों ही ऐसे ममालिक हैं जो हमेशा पाकिस्तान को जिन्होंने सपोर्ट किया है माली तरह से भी और दूसरी तरह से भी, अखलाकी तौर पे भी। और देखा जाए तो सऊदी अरेबिया ने भी वो जो अपने पैसे वापस ले लिए थे और चाइना ने भी जो पिछले दिनों 1200 बिलियन जो वापस ले लिए थे, अगर वो पैसे आ जाते हैं, अगर सीपैक पे तेज़ी से काम शुरू हो जाता है तो मुल्क में एक प्रॉस्पेरिटी की हम देखेंगे कि शायद शुरू हो जाए। अच्छा, नई हुकूमत का क्या हो रहा है और इसमें जो वजारतें हैं, ओहदे डिस्ट्रीब्यूट किए जाने, पोर्टफोलियो दिए जाने, उसमें आप देख रहे हैं कि किसका कितना शेयर होगा? नहीं, वो तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है ना, वो तो सबका शेयर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है किसको क्या मिलेगा। पीपल्स पार्टी को मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा है कि 4 वजारतें मिलेंगी, नून लीग को 8 मिलेंगी, बाकी सबका एक हिस्सा वो डिक्लेयर। असल बात ये नहीं है कि किसको क्या वजारत मिलेगी, असल बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट आ रही है इसकी इसको अपोजिशन जो है इसकी, इसको अपोज करने वाले लोग अंदर असेंबली में नहीं है, मसला ये अपोज करने वाले लोग बाहर सड़कों पर हैं। और अब ये एक नई सूरत हाल है, क्या सड़क हुकूमती उमूर पर असरअंदाज हो सकती है? सवाल ये है कि ये जो कुछ करने जा रहे हैं, जो भी कुछ करेंगे, तो असेंबली से बाहर अगर कोई लाख चीखता चिल्लाता रहे, बिल्स तो असेंबली के अंदर ही पास होना है ना, तो जो असेंबली के अंदर जो भी ये काम करने चाहेंगे उसको कोई अपोज नहीं करने वाला और वो सब हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि हमें पिछले अदवार में भी, अब जब 2014 में 2013 में जब इसी PTI ने बाहर सड़कों पर बड़े एहतजाज किए, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं,
नवाज शरीफ ने उसके बाद तहलुल कादरी ने भी धरना दिया था, उस पर भी कुछ हाँ, लेकिन कुछ उससे कुछ होता नहीं है। जो जो हुकूमत का जो जो कारोबार है वो चलता रहता है, उससे ये तो होता है कि आपके जो कारकुन है वो इंटेक्ट रहते हैं आपसे, लेकिन इसका मुल्की उमूर से कोई इतना असरअंदाज होने वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उन्होंने इस्तीफे भी दे दिए हैं, अब वो कहाँ खड़ी होगी इस सारी सिचुएशन में? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी इस्तीफे नहीं दिए, सिर्फ ऐलान किया है, और वो ऐलान ऐसा ही है जैसे 2016 में उन्होंने दिल फर्ज माल, अगर वो इस्तीफे दे देते हैं तो उसके बाद उनका क्या होगा? अब वो देखिए, उससे पहले कि हम तारीख को देखते हैं ना, 2014 में अयाज सादिक को इस्तीफे जमा करवा दिए थे पीटीआई ने, आपको याद होगा? जी बिल्कुल, पीटीआई ने इस्तीफे जमा करवा दिए थे जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे, नहीं किए थे, यही तो बात है। अच्छा, वो एक्सेप्ट जमा नहीं हुए, उन्होंने उस पर जो अच्छा अभी जो सवाल उठाया था वो ये था कि ये अगर इस्तीफे सच्चे हैं तो हर एक अकेले चैम्बर में मिले और उसकी तस्दीक करे, और अभी तक ये तो सिर्फ दावा है कि इस्तीफे 135 इस्तीफे जनाब जमा हो गए हैं और हम बहुत जल्द उसको स्पीकर के हवाले करने वाले हैं। अब ये स्पीकर के हवाले अगर होते हैं उसके बाद, अगर जो आपने सवाल किया जी, जी, अगर ये एक्सेप्ट हो जाते हैं, सही है, उस सूरत में आईन ये कहता है कि 60 दिन के अंदर अंदर बाई इलेक्शंस होंगे, और बाई इलेक्शंस के लिए नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना जरूरी नहीं है, हल्का बंदियां, जी हाँ, नई हल्का बंदियां बनाना जरूरी नहीं है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगी क्योंकि वो उन्हीं हल्का बंदियों में होंगी जहां से वो पहले सीटें खाली हुई हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है, जो उन्होंने एतराज उठाया था कि हमने नई हल्का बंदियां करनी है और कम अज कम 4 महीने उसमें लगेंगे, तो वो 4 महीने वो एक अलग प्रोसीजर है, और इन 60 दिनों में अगर इलेक्शंस होते हैं उसमें मैं नहीं समझता कि पीटीआई दोबारा से इतनी सीटें लेकर वापस आ जाए। अच्छा, वो तो खुद इस पे इलेक्शन का ही शायद बायकॉट न कर दें जिस हिसाब से वो चल रहे हैं उनकी, अगर ये करेंगे तो ये अपने पेयर पे खुद ही फुहारा मारेंगे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो रास्ता खुला छोड़ रहे हैं इस जो ये जो अलायंस है इसके लिए, वो रास्ता खुला छोड़ अपोज करने वाला कोई होगा ही नहीं, तो वो क्या जो चाहे कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ये चाह रही है कि हमें सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का जो अहदा है वो दिया जाए, क्या मिल सकेगा? नहीं, ये उन्होंने डिमांड किया है, ये जो उन्होंने किया है ये मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, ना हो सकता है, क्योंकि आपने वो जो काकान अब्बासी साहब है उन्होंने कहा है कि हम इसको जो प्रेसिडेंट हैं अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी गैर जानबदारी के तौर पर तो हम उन्हें छेड़ेंगे नहीं। तो अगर तो ये बात, क्योंकि वो साबिक वजीर आजम हैं और बहुत अहम एक जिम्मेदार आदमी है नून लीग के, उन्होंने जो बात की है उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी अगर डिमांड कर रही है तो फिर तो वो चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनकी इत्तेहादी है जमात। नहीं, मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी आज की ये खबर है डिमांड किया है, ये देखें पीपल्स पार्टी ने कोई अगर ये डिमांड किया है तो ये कोई न्यूज अभी तक अभी ये न्यूज आई है। अच्छा जी, अब अगर ये न्यूज आई है तो फिर देखते हैं हम सब इसको। आपका क्या तजिया है कि मिल पाएगा? नहीं, देखिए अगर तो चलाना है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा काम है डिलीवर करना, और ये ओहदे सानवी हैसियत रखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे लड़के इस पे ये पार्टियां आपस में लड़ पड़े, हो सकता है कि उनको दे भी दें। अच्छा, इस 1.5 साल में जो कि पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने ना अहलिया होंगी, अगर फिर से ये करेंगे तो आवाम तो फिर उनको भूल जाएगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट इन चीज़ों में जाएगी, क्योंकि इनके सामने इनके आगे जो सबसे बड़ा टास्क है वो डिलीवर करना है, वो जो पिछली गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाई, और आगे जो टास्क है उनके पास वो आइंदा आने वाली हुकूमत है, और उस हुकूमत वो इलेक्शंस है,
और उस इलेक्शंस में इन्होंने अगर यहाँ यानी नहीं दिखाई अपनी एफिशिएंसी तो आने वाला इलेक्शन जो है वो ये हार जाएंगे फिर। बहुत शुक्रिया नाजिन, आपने आगा जफर साहब की गुफ्तगू सुनी, किस अंदाज से वो बात कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान में अगले कुछ रोज की सियासत क्या होने जा रही है। फिलहाल अपने मेजबान अब्दुल सत्तार को दीजिएगा इजाजत, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।